ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह, क्या हुआ? आप ठीक तो है? हम ठीक हैं जोधा बेगम। हमें बताइए कि क्या बात है शहंशाह। बात यह है जोधा बेगम कि यहाँ की मिट्टी हमें बहुत कुछ याद दिलाती है। इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, वह पहली बार हमारे मरहूम अब्बा हजूर ने हमें यहाँ की सूबेदारी अता फरमाई थी। बहुत गहरा रिश्ता है हमारा इस मिट्टी से। और गहरा रिश्ता तो उस मिट्टी से भी है जोधा बेगम, जहां इस वक्त बेगम महाचूचक ने खेमा लगाया हुआ है। काला नूर, जहां पहली बार हमारे मरहूम खान बाबा ने हमारी ताजपोशी की थी और हम बादशाह बने थे 14 साल की उम्र में। उस वक्त भी काला नूर में हालात बड़े अजब थे। हमारे अब्बा हुजूर अल्लाह को प्यारे हो गए थे और हमें इस बात का खौफ था कि कहीं दुश्मन हम पर हमला ना करते। इसलिए उसी वक्त खान बाबा ने हमारी ताजपोशी कर हमारी बादशाहत का ऐलान किया था। और इस वक्त भी कालानूर में हालात बड़े अजब हैं, क्योंकि इस बार हम अपनी बादशाहत रखने के लिए अपनों से ही जंग करने यहाँ आए। काश हमारे खान बाबा इस वक्त हमारे साथ होते। खान बाबा से आप बहुत प्रेम करते थे ना? हाँ जोधा बेगम, शायद अपने अब्बा हुजूर से ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे, क्योंकि सब कुछ उन्होंने हमें सिखाया। हमेशा हमारी ढाल की तरह हमारे पास खड़े रहे, पर अब जब वो नहीं है, खैर, लेकिन कम से कम उनकी जनशीन रहीम हमारे साथ है और सलीमा बेगम भी उन्हीं की तरह समझदारी से हर मामले में हमें सलाह देती है। उनके दो अनमोल जौहरात हैं हमारे पास, इसमें तो कोई संदेह नहीं। जहाँ एक तरफ रहीम अपनी अबोध शरारतों से महल में जीवन डाल देते हैं, वहीं दूसरी ओर सलीमा बेगम अपनी समझदारी से मार्ग दिखाती हैं। क्या हुआ जोधा बेगम, आप ठीक तो हैं? जी। शायद इतना लंबा सफर तय करने की वजह से आपकी तबीयत नासाज हो गई है, आप जाएं आराम फरमाएं। नहीं शहंशाह, हम ठीक हैं। जोधा बेगम, ऐसे हालात में आप हमारी बात माने तो बेहतर है, फिर चाहे आप इसे हमारा हुक्म माने या हमारी इल्तिजा, लेकिन इस वक्त आप आराम फरमाएं। हमें यहाँ से निकलना ही चाहिए। कहीं हमारे लक्षण देखकर शहंशाह को हमारे गर्भवती होने का पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जी जाइए। आज रात जी भर के आराम कर लो साथियों, क्योंकि कल तुम्हारी बहादुरी और ताकत का इम्तिहान है। कल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फौज का सामना करने जा रहे हैं हम। ये आसान नहीं होगा साथी। कल जंग में अपनी बहादुरी और अपनी ताकत के ऐसे जलवे दिखाना कि जलाल की फौजें कांप उठें। तो तैयार हो सब लोग? बहुत हो गई लुका छुपी जलाल, बहुत भाग चुकी। अब वक्त आ गया है जंग का। क्या हुआ? हुजूर, कोई शख्स आपसे मुलाकात की इजाजत चाहता है। कौन है वो? हुजूर, वो अपनी पहचान आपके सामने खोलना चाहता है।
कहाँ है? अंधेरे से खौफ नहीं खाती आप महामंगा? हम अपने तमाम कामों को अंजाम देते हैं अंधेरे, तो अंधेरे से कैसा डर? अम्मी जान की कोई खबर? क्या जलाल उन्हें अपने काफिले के साथ लेकर आया है? माफ कीजिएगा शहजादी, हमें नहीं लगता जलाल ऐसी बेवकूफी करे। शहजादी, इस तरह से दिल छोटा नहीं करते। एक बार ये तो सोचिए कि जलाल अपने पूरे हरम को इस बार जंग में अपने साथ लेकर आए हैं, और अच्छा भी है, इस बहाने से जलाल सारे सैनिकों को यहाँ पर लेकर आए। इसका मतलब है हमारे सैनिक चांद बेगम को आसानी से ढूंढ सकते हैं। वहाँ के क्या हालात हैं? हालात क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ी बेवकूफी की है जलाल ने, जो हरम को अपने साथ लेकर आए। आपको जानकर खुशी होगी कि आपके हमलों की वजह से काफी डर गए हैं जलाल। अभी तो खौफ ज्यादा होना बाकी है। हमने सुना है उसके सिपाहियों की तादाद बहुत कम है। सही सुना है आपने, जलाल के सिपाही चारों ओर बिखरे हुए। फिलहाल जो फौज आई है उसमें ज्यादा सिपाही नहीं है। सच कहे तो जलाल इस जंग के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ही नहीं पाए। यही तो हमारी चाल थी, जलाल को मौका ही नहीं देना था कि वो जंग के लिए तैयार हो सके। आदाब जलाल, अब मसलत बहुत हो गई, तुम्हें आराम करना चाहिए। बस अम्मी जान जंग के इंतजामात के बारे में बात कर रहे थे। आप अपने खेमे से बाहर क्यों? इतना लंबा सफर तय करने के बाद आपको आराम करना चाहिए। क्या करें, माँ है तुम्हारी, जब तुम्हारा दिल बेचैन है तो हम चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? आखिर जंग का मामला है। अब जानती है अम्मी जान, जंग कभी हमें बेचैन नहीं करती है। हम जानते हैं कि इस वक्त हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे जांबाज सिपाही के सामने खड़े हैं। तुम एक नेक मंसूबे के साथ इस जंग पर जा रहे हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है, सारी आवाम तुम्हारे साथ है। और गहरा खोदो, जोर लगा के। आदम खान जी, ये काम आपकी निगरानी में हो तो बेहतर है। ये काम आपने हमें सौंपा है, फिक्र मत कीजिए, हो जाएगा। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम मलिका आजम। ये सब क्या हो रहा है टोडरमल साहब? शहंशाह, सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी और कड़ी कर रहे हैं बस। हम समझे नहीं, आप ये खंदक क्यों खुदवा रहे हैं? क्योंकि यदि शत्रु हरम की स्त्रियों पर आक्रमण करे तो वो यहाँ पर छिप सके। इस खंदक में छिपने के बाद शत्रु को भनक भी नहीं लगेगी कि यहाँ पर कोई है। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं हमारी बेगमात का दम ना घुट जाए इसमें। नहीं शहंशाह, ये खोखले बास हमने इसीलिए लगवाए हैं ताकि वायु का प्रवाह हो सके। बहुत ही अच्छा विचार है आपका टोडरमल जी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद बेगम साहिबा। हम शुक्रगुजार हैं कि इस जंग में आप हमारे साथ हैं। आपकी सोच हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा रही है। आपकी सेवा करके हम कृतार्थ हैं शहंशाह। शहंशाह, शत्रु के आक्रमण के समय बचने का एक और मार्ग हमें स्मरण हो रहा है। पर वो क्या है जोधा बेगम? आमेर में जब शत्रु आक्रमण करते थे तब अधिकतर एक गुप्त मार्ग बना लिया जाता था, जिससे स्त्री और बच्चों को दुर्ग से निकालकर किसी खुले स्थान पर पहुंचा दिया जाता था, जहां पर स्त्रियां जौहर के लिए प्रस्तुत हो सकती थी। जौहर? इतना खतरनाक कदम क्यों उठाती हैं आप राजवंशी औरतें? हम राजवंशी हैं, अग्नि के स्पर्श से मर जाना बेहतर समझती हैं, बनिस्पत कोई विधर्मी हमें स्पर्श करे। माना कि आप एक राजवंशी हैं जोधा बेगम, लेकिन आप ये ना भूलें कि आप अब एक मुगल बेगम भी हैं। तो क्या अब भी आप ऐसा सोचती हैं? क्षमा कीजिएगा शहंशाह, पहले हम सोचते थे कि हमारा ये विचार ठीक है, तब हम जानते नहीं थे कि आप ऐसे मनुष्य हैं। अब तो बता दीजिए कि अब हम कैसे इंसान हैं? ऐसे जिनसे प्रेम किया जा सके,
जिन पे प्राण दिए जा सके। हम शुक्रगुजार हैं आपके दोनों मिल साहब, क्या आपने हमारी बेगमात की हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब बस हमें फिक्र है तो फिक्र है बख्शी बानो की, जो आगरा में अकेली। उसकी फिक्र मत करो जलाल, शरीफुद्दीन साहब हैं उसकी देखभाल करने के लिए। माशाल्लाह क्या ताब है। क्या चमक है। चमकेगा ही ना, शहंशाह का तख्त है। पर इस तख्त में असली ताब तब आती है जब हमारे भाईजान इस पर बैठते हैं। ये क्या कर रहे हैं? इस तख्त पर शहंशाह के अलावा किसी को बैठने की इजाजत नहीं है। मगर अब हम यहाँ बैठ गए, अब आप क्या करेंगे? हाँ, अपने भाईजान से जाकर शिकायत करेंगे? अब चलिए यहाँ से, ये तख्त सिर्फ भाईजान का है। नहीं बख्शी, ये तख्त बहुत दिनों तक आपके भाई जान का नहीं रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सुनने में आया है कि ये जंग बेहद खूंखार होगी। हो सकता है आगरा से गया हुआ कोई नहीं वापस ना लौटे। एक तरफ महाचूचा कबूल माली और निगार की ताकतवर फौज है और दूसरी तरफ मुगल सल्तनत की बिखरी हुई फौज, और उसके ऊपर से जलाल अपने साथ सारा हरम लेकर गया है। अब या तो वो हरम की हिफाजत करेगा या जंग लड़ेगा। अब तो सिर्फ खुदा ही उसे बचा सकता है। और ये सारी बातें जानकर आपको खुशी हो रही है? नहीं बख्शी मानो, बेशक नहीं, मगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, हमारे आने वाले बच्चे के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए। हमारा जानशीन आने वाला है और जलाल के ना होने पर हम चाहते हैं कि वो इस तख्त पर बैठे, क्योंकि जलाल के बाद वो ही इकलौता शाही मुगल खून है। हम नहीं चाहते कि मुगल सल्तनत अबुल वाली माजूचा किया निकार जैसे ऐरों गैरों में बट जाए। बख्शी, तुम्हारे भाई के लिए तुम्हारी मोहब्बत हम समझते हैं। हमारे यकीन करो बख्शी बानो, हमारे यकीन करो, हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अपने इस आने वाले बच्चे से भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब तुम ही बताओ, अब तुम ही बताओ कि अगर हम सल्तनत के बारे में सोचते हैं, तुम्हारे मरियम उस जमानी बनने के बारे में सोचते हैं, हमारे आने वाले बच्चे की बादशाहत के बारे में सोचते हैं, तो क्या हम गलत करते हैं? संभाल कर जोधा, इस अवस्था में आपका इतना चलना फिरना ठीक नहीं है। जोधा बेटा, क्या हुआ आपको? बड़े चक्कर आ रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो रुकैया बेगम, हुआ यो कि मोती बाई, जब दो खास बेगमें आपस में बात कर रही हो तो बांदियों को बीच में बोलने की इजाजत नहीं होती। जोधा बेगम, ये मैदान जंग है, यहाँ पर सबकी नजरें जंग पर है। ऐसे में अगर एक बेगम बीमार होती है
शहंशाह का ध्यान मकसद से हट सकता है और ये ठीक नहीं है। आप बहुत लंबा सफर तय करके आई हैं, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आप जाके आराम कीजिए, हम सब हैं ना यहाँ। खुदा हाफिज। चलो होशिया। बड़ा चंबा हुए जानकर कि इन्हें आपके स्वास्थ्य की चिंता है। लगता है युद्ध क्षेत्र मनुष्य के स्वभाव को बदल देता है। क्या ये जलती हुई आतिश इतनी हसीन है जलाल, जिसे देखकर आप अपने दिन भर की थकान उतारना भूल गए हैं? हम नहीं जानते थे कि तुम आई। जंग चीज ही ऐसी होती है, अक्सर सिप्पे सलार कई बातों को अनदेखा कर जाते हैं। खैर, आप बेहद थके हैं, आपको आराम करना चाहिए कुछ देर और। जलाल, अगर बुरा ना माने तो आपको एक सलाह दे। कहिए। हमें लगता है कि आज की रात आपको जोधा बेगम के खेमे में गुजारनी चाहिए। हम जानते हैं कि आप उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी सोहबत में आपको सुकून मिलेगा, और जंग में जाने से पहले शहंशाह को सुकून मिलना बेहद जरूरी है। इतना तो हम भी समझते हैं रुकैया, कि एक बीवी के लिए कितना मुश्किल होता है अपने शौहर को दूसरी बीवी के पास भेजना। हाँ, मुश्किल तो है। हम आपकी बीवी होने से पहले सल्तनत की बेगम है जलाल। क्या हुआ जोधा बेगम, क्या आपकी तबीयत नासाज है? कदाचित गर्मी की वजह से या लंबी यात्रा की थकान की वजह से हमारा जी मितला रहा है। शुक्र है खुदा का, हम तो परेशान हो गए थे। शहंशाह, ये समय चिंता करने का नहीं है, विश्राम करने का है। कल के युद्ध की तैयारी करने का समय है ये। सच कहे तो जोधा बेगम, हम इस जंग के लिए तैयार नहीं। जितने सिपाही हमारे पास हैं, वो शायद कुछ वक्त तक ही दुश्मन का सामना कर पाए। शायद हो सकता है कि इस जंग के बाद हम वापस लौट ही ना पाए। ऐसा कभी नहीं होगा शहंशाह, आप सबसे वीर और शक्तिशाली सम्राट हैं, आप कभी नहीं हार सकते। दिलासा देने के लिए शुक्रिया जोधा बेगम, लेकिन शायद हकीकत यही है कि इस जंग के बाद वापस ना लौट पाए। तो बेगम, हम नहीं जानते कि कल का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है या नहीं। लेकिन आज की रात हम आपके साथ गुजारना चाहेंगे, आपकी बाहों में। तो हमें सुकून दे दीजिए जोधा बेगम, सुला दीजिए हमें।
आशा है अपने पिता के साथ साथ तुमने भी एलोरी सुनी होगी।